हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं कोड प्लेग्राउंड फॉर यू। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कोड प्लेग्राउंड फॉर यू में। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि JDK को कैसे डाउनलोड करेंगे, JDK को कैसे इंस्टॉल करेंगे और एनवायरमेंटल पाथ को कैसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको नॉलेज पूरा मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देख लीजिए। उसमें आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल करना बताया गया है। आप वहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना सीखिए और यहाँ से आप JDK डाउनलोड करना पूरा सीख लीजिए। देन फ्रेंड्स, कल से आपका अगला सीरीज एंड्रॉइड पर होगा। इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा CMD। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद आपको एक कमांड टाइप करना है, जावा। देन आपको एंटर हिट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आपके सामने एक मैसेज आ रहा है, जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज। तो इससे आप श्योर हो जाइए कि आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल नहीं है। परंतु फ्रेंड्स, एक बार फिर से अलग कमांड से एक बार चेक कर लेते हैं, जावा सी। इस कमांड के थ्रू अपने हम जावा फाइल को कंपाइल करते हैं। देन फिर आप एंटर हिट करेंगे। फिर से देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको सेम मैसेज वही आ रहा है कि जावा से इज नॉट रिकॉग्नाइज, यानी कि फ्रेंड्स हमारे सिस्टम में JDK इंस्टॉल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम अपने किसी फेवरेट ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। देन आपको यहाँ पर लिखना होगा जावा JDK डाउनलोड। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक इंटरफेस आ रहा है, जावा AC डाउनलोड्स ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क ओरेकल। ये आपकी www.oracle.com की साइट है। चलिए फ्रेंड्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा जावा AC 14 इज द लेटेस्ट वर्जन फॉर द जावा AC प्लेटफॉर्म। ये JDK का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। देखते हैं फ्रेंड्स इसके पुराने वर्जन के बारे में, जावा AC 11 LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जावा AC 8U251, जावा AC 7। तो फ्रेंड्स, हम तो सबसे पहले इसके लेटेस्ट वर्जन को ही डाउनलोड करेंगे। हम यहां से जावा JDK डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन आ रहे होंगे। इनमें से आपको अपने जो भी सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बेस पर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम अपने विंडोज 64 के लिए डाउनलोड कर रहे हैं exe फाइल। फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहाँ से zip फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। zip फाइल में भी सेम प्रोसेस होती है। exe फाइल इंस्टॉल करने के बाद जो इसके एनवायरमेंटल पाथ का सेटअप करने का प्रोसेस होता है वो सेम प्रोसेस zip फाइल के लिए भी होती है। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से किसी भी एक फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। exe फाइल को हम डाउनलोड करते हैं, यह एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप ओपन हो जाए, मार्क कर देना होगा। देन फ्रेंड्स, आपको क्लिक करना है JDK 14.0.1 विंडोज x64 bin.exe आपको डाउन करने का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये पहले से डाउनलोड है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपके पास डाउनलोड हो जाए तो आप नॉर्मली आप यहाँ से क्रोम को क्लोज कर दीजिए, या आपने जो भी ब्राउजर ले रखा है उस ब्राउजर को आप क्लोज कर लीजिए। देन आपको जाना है फाइल मैनेजर में, डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में जाने के बाद आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको JDK का डाउनलोड हुआ exe फाइल दिख रहा है। आप इस पर नॉर्मली डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है जिस पर हम यस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने विंडोज इंस्टॉलर का एक पॉपअप आ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पर क्लिक करिए आप। देन आपका देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो ये JDK है, ये सी के प्रोग्राम्स फाइल्स के जावा नाम के फोल्डर में JDK 14.0.1 में इंस्टॉल हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, या बाई डिफ़ॉल्ट रहने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यह फ्रेंड्स प्रोग्रेस होता हुआ स्टार्ट दिखाई देगा। ये फ्रेंड्स, तब तक के लिए हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर नॉर्मली क्लोज कर दीजिए।
और फ्रेंड्स अब चलते हैं हम सी में। सी ड्राइव में जाने के बाद फ्रेंड्स आपने जो भी ड्राइव में सेलेक्ट किया है फाइल इंस्टॉल करने के लिए वहां पर जाएं। बाय डिफॉल्ट यहां पर रहता है सी। सी के प्रोग्राम्स फाइल्स में जावा का एक फोल्डर होगा, डबल क्लिक करिए। जावा के फोल्डर में जेडीके 14.0.1 का एक फोल्डर बना होगा फ्रेंड्स, आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन करिए। यहाँ पर फिर आपको एक ऑप्शन है बीन का, बीन पर क्लिक करिए फ्रेंड्स। बीन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जहाँ पर पाथ दिखाई देता है इस पर एक नॉर्मल क्लिक करना है, तभी आपका पाथ सेलेक्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको कॉपी कर लीजिए और देन आपको यहाँ पर फिर खोलना है सेटिंग्स, तो आप यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करिए, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करिए। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करिए। सिस्टम पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप यहां पर जाइए और आप यहां पर लिखिए एनवायरनमेंट। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स आपके सामने एक ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा जिसमें आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करना है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट का पाथ सेट करना है, तो इसके लिए आप सिस्टम वेरिएबल्स आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पाथ नाम का वेरिएबल बना होगा, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो आपने वहाँ से पाथ को कॉपी किया था वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है फ्रेंड्स। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स सी, सी का प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स का जावा, देन उसके बाद जेडीके 14.0.1 देन स्लैश बीन, यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपको एंटर हिट करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स आपका एनवायरमेंटल पाथ तो सेट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पर जावा होम का वेरिएबल सेट करना है फ्रेंड्स। जावा होम का वेरिएबल सेट करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना होगा, देन आपको यहाँ पर लिखना होगा, कैपिटल लेटर्स में लिखना है फ्रेंड्स आपको, ध्यान रहे जावा _ होम। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है यहाँ पर एक बात कि जावा _ होम आपको कैपिटल में ही लिखना है, जावा और होम को। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वेरिएबल में वही वाला पाथ सेट कर देना है फ्रेंड्स, जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो आपको सिंपल यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से एक बैक स्लैश और बीन यहाँ से आपको फ्रेंड्स डिलीट कर देना है, यानी कि आपका रहेगा सी, सी का प्रोग्राम फाइल्स, फिर उसका जावा, फिर उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर है जेडीके 14.0.1। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, देन आपको फिर यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। अभी सेटिंग को हम क्लोज कर देते हैं, इस फाइल मैनेजर को भी क्लोज कर देते हैं। अब आपको एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। इंस्टॉल करने के पहले फ्रेंड्स आपने जो भी कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रखा है उन सभी प्रॉम्प्ट को आप क्लोज कर लीजिए। देन आप यहाँ पर स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पर टाइप करिए CMD, आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स एंटर हिट करने के बाद। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लिखना है जावा स्पेस -- वर्जन, देन आपको एंटर हिट करना है। फ्रेंड्स देख रहे हैं प्रोसेसिंग चल रही है, फ्रेंड्स हम इसका वेट कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आपको यहां पर दिखाई दे रहा है जावा का वर्जन, जावा वर्जन 14.0.1 2020-04-14, यानी कि 14 अप्रैल 2020 को ये लेटेस्ट अपडेट आया है 14.0.1 का। फ्रेंड्स इसके बाद आप देख सकते हैं कि AC रन टाइम एनवायरनमेंट ये ऑटोमेटिकली ले लिया है, इसको हमें अलग से इंस्टॉल नहीं करना है। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिर अगला एक कमांड टाइप करना है जावा सी स्पेस -- वर्जन। फ्रेंड्स जावा सी वाली कमांड के माध्यम से हम अपने प्रोग्राम फाइल्स को कंपाइल करते हैं, जब फ्रेंड्स आपको एंटर हिट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपके जावा सी जो कंपाइलर है उसका वर्जन है फ्रेंड्स आपको 14.0.1, तो आप देख पा रहे हैं कि आप लेटेस्ट वर्जन में है जो आपने इंस्टॉल किया अभी। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करना है जो हमने जावा होम वेरिएबल जो सेट किया था एनवायरनमेंट वेरिएबल के लिए, तो फ्रेंड्स उसको चेक करना है कि वो सेट हुआ या नहीं। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली टाइप करना है इको % देन आपको वैसे ही लिखना है फ्रेंड्स जैसे आपने वहाँ पर लिखा था जावा, आपको यहाँ पर फिर _ देन होम फिर % देन आपको एंटर हिट करना है फ्रेंड्स। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि आपका जावा होम का जो वेरिएबल है इस फोल्डर में आपका सेट हुआ है सी, सी का प्रोग्राम फाइल्स, देन सब फोल्डर जावा,
देन सब फोल्डर JDK 14.0.1। तो फ्रेंड्स आपका ये JDK कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा कम्प्लीटली नॉलेज मिला होगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।